फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि अभी तक हमने काउंट इफ और सम इफ फंक्शन का यूज किया हुआ है। काउंट इफ फंक्शन के द्वारा अगर कोई भी सेल के अंदर डेटा टाइप किया गया है और हम इसको काउंट करना चाहते हैं तो काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेल के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है और हमें उसका सम निकालना है, यानी टोटल निकालना है, तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर सेल के अंदर कलर किया गया है, यानी कि कोई वैल्यू फिल नहीं है, सिर्फ कलर किया गया है, और कलर से हमें फाइंड करना है कि वो कलर कितने बार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से अगर कलर के अगेंस्ट में कोई अमाउंट दिया गया है, तो कलर क्राइटेरिया से हमें ये पता करना है कि उस पर्टिकुलर कलर के अगेंस्ट में टोटल अमाउंट की वैल्यू क्या हो रही है, उसको आज हम सीखेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करिए और एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप हमारे पास एक एक्सेल शीट में डेटा देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कलर फिल किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कलर है उस कलर के अगेंस्ट में हम पहले काउंट पता करेंगे कि रेड कलर इस कॉलम के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है, सिमिलरली येल्लो कलर कितने बार रिपीट हुआ है, ग्रीन कलर कितने बार रिपीट हुआ है, जो भी यूनिक कलर हैं उनका हम यहाँ पर काउंट मेंशन करेंगे। इसी तरीके से कलर के अगेंस्ट में यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है, इसका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो माउस का सिलेक्शन है वो यहाँ पर रहेगा। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको आगे की वीडियो में भी बताऊँगा कि हमने माउस का सिलेक्शन D3 कॉलम में ही क्यों किया है। उसके बाद हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे आपको नेम मैनेजर दिख रहा है, तो नेम मैनेजर पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही नेम मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आ रहा है, तो नेम में हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने AEL दिया हुआ है, अनमोल इजी लर्निंग, मैंने आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने AEL नाम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे रेफर्स टू आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ यहाँ तक इजकल टू लगा रहता है। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गेट डॉट CELL और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम 38 टाइप करेंगे। 38 का क्या लॉजिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 38 जो होता है वो एक्सेल शीट में कलर का इंडेक्स नंबर होता है, कोड होता है, तो हम 38 को टाइप करेंगे। इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद ये जो कलर आ रहा है, इस कलर पे हम अपने माउस का सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो फ्रीज हो चुकी है, लेकिन हमको वैल्यू को फ्रीज नहीं करना है, इसलिए जो डॉलर का साइन आ रहा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे इजकल टू AEL। जब आप AEL टाइप करेंगे तो कुछ नया फॉर्मूला आपके एक्सेल में बन जाएगा। वैसे अब अगर आप टाइप करेंगे AEL करके तो अभी आपके एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला शो नहीं करेगा, लेकिन अभी हमने AEL नाम दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे AEL यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप और कुछ भी नाम देते तो वो नाम यहाँ पे शो करता। तो हमने यहाँ पे AEL टाइप कर दिया है, इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू शो होती है। हमारा जो फॉर्मूला है D3 कॉलम पे लगा हुआ है, इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। फॉर्मूला को हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं। इन नंबर का लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ। एक्सेल के अंदर जब हम कलर की फॉर्मेटिंग करते हैं तो हर कलर का एक यूनिक कोड होता है, तो ये नंबर्स आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कलर के अगेंस्ट में उसका काउंट पता करेंगे कि रेड कलर इस कॉलम के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है, येल्लो कलर कितने बार रिपीट हुआ है, ग्रीन कलर कितने बार रिपीट हुआ है, तो उसका जो काउंट है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले D3 कॉलम का सिलेक्शन किया था, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई किया था। D3 कॉलम का सिलेक्शन करने का लॉजिक सिर्फ यही है कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है वो कलर से तीसरी सेल है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा कलर है उससे तीसरे कॉलम पे ही हम उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट सेल हमारा ये हो गया, सेकेंड कॉलम जो है वो हमारा G कॉलम हो गया, एंड थर्ड कॉलम हमारा H कॉलम हो गया है।
तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड कॉलम में ही इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारा यहाँ पे कलर दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज में हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे टॉप टू बॉटम, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। और यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में हम टाइप करेंगे ए ई एल और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रेड कलर के अगेंस्ट में 5 का काउंट आ रहा है, तो हम काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी रेड कलर हमारा 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो काउंट हमारा 5 आ रहा है। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिजल्ट शो कर रहा है वो प्रॉपर करेक्ट शो कर रहा है। यानी हमने कलर के अगेंस्ट में उसका जो कितना काउंट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि इसके अगेंस्ट में जो अमाउंट आ रहा है, यानी येल्लो के अगेंस्ट में यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे येल्लो के अगेंस्ट में 30 आ रहा है, तो टोटल अमाउंट 130 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली सम इफ फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो हम टॉप टू बॉटम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में ए ई एल टाइप करेंगे, फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे और सम रेंज में हमने अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो कलर के अगेंस्ट में उसका जो सम अमाउंट है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको एक्सेल में कलर के अगेंस्ट में उसका काउंट पता करना है या कलर के अगेंस्ट में उसका सम इफ पता करना है, टोटल अमाउंट पता करना है, तो जो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है इसके द्वारा आप कलर का काउंट भी पता कर सकते हैं और उसका सम भी पता कर सकते हैं। और ये जो तरीका बताया है ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें मैंने आपको कोई भी बीबीए की कोडिंग नहीं बताई हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।